नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 11 सितंबर को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अनिल विज अंबाला छावनी में निकलसन रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को प्रातः 11 बजे गांधी ग्राउंड में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहले एकत्रित होंगे, जिसके उपरांत नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए SDM ऑफिस जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। वहीं अनिल विज ने कहा कि अंबाला का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हमने जो विकास किया है वह हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किसी पार्टी और नेता ने नहीं किया। विकास कार्यों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। काम किया है, काम करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे, ऐसे नशों को बढ़ावा मिलेगा, हमारा प्रदेश उनके साथ लगता है, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को, अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे और उससे हम तक करेंगे। हरियाणा में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सब नहीं, सारे इलाके में ही फर्क पड़ना है, सारे इलाके में फर्क पड़ना है। कि कांग्रेस ने खिलाड़ी पैदा किए थे, जबकि बीजेपी उन्हीं खिलाड़ियों को नशेड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, नशेड़ी पैदा कर रही है हरियाणा में। हुड्डा साहब बिना सिर पैर के सारा दिन बात करते हैं। इनकी हालत यह है कि जिन खिलाड़ियों के इनाम आए थे ये बिना दिए सरकार से चले गए, उनके इनाम हमने दिए थे। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ रुपए रखा। हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर बैठाकर सुनकर हमने खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति आज सारे देश में उसकी सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल करना चाहते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।